नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजू चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मल्टीमीटर कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने से पहले आप सभी लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए चलते हैं, मल्टीमीटर कैसे चलाया जाता है उसको देखते हैं। ये है हम लोग का मल्टीमीटर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये फ्लुक कंपनी का है। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं। अभी ये मल्टीमीटर ऑफ है, ये स्विच को हम लोग घुमाएंगे जब तो ये वाला हमारा वोल्टेज है, एसी का सिंबल बना हुआ है तो ये हमारा एसी वोल्टेज बताएगा। दूसरा जब हम लोग इसको इस पर घुमाएंगे, यहाँ पर भी वोल्टेज लिखा है लेकिन डीसी का सिंबल है, इसका मतलब ये डीसी वोल्टेज बताएगा। ऐसे ही तीसरा हम लोग का है मिली वोल्ट, एसी का भी सिंबल है डीसी का भी सिंबल है, तो ये आपका मिली वोल्ट एसी और डीसी दोनों में बताएगा। अभी ये मल्टीमीटर हमारा मैनुअल मोड में है, हम चाहे तो इस बटन को क्लिक करके इसको ऑटो मोड में करके एसी और डीसी दोनों चेक कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग को एक आता है रेसिस्टेंस चेक करने के लिए, रेसिस्टेंस आपका ओम में भी रहता है, किलो ओम में, मेगा ओम में, सब ऑटो मोड में है। आप जब भी रेसिस्टेंस नापेंगे तो ये आपका कितना ओम है कितना मेगा ओम है सब बताएगा। वैसे ही हम लोग को कंटिन्यूटी भी चेक करना रहता है, कहीं पर वायर ब्रेकेज तो नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए एक बजर का अलार्म रहता है, आप इस वाले को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक बजर का अलार्म आएगा और इसको इस मोड में करके हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अभी ये आप अलार्म सुन रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और यहाँ पर अलार्म आ रहा है। अब मैं आपको इसमें डायोड मोड भी रहता है, आप इसको डायोड मोड में रख के हम लोग का डायोड चेक कर सकते हैं, ये डायोड सही है कि नहीं सही है इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का है अगला पैरामीटर कैपेसिटर के लिए, इसमें हम लोग कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, नैनो फैरेड वाले जितने भी कैपेसिटर हैं तो सब हम लोग चेक करके देख सकते हैं। ऐसे ही है एम्पियर, एम्पियर हम लोग एसी और डीसी दोनों चेक कर सकते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोग का लीड इधर वोल्टेज में और कॉमन में लगा हुआ है, वैसे ही जब एम्पियर चेक करेंगे तो कॉमन वाला कॉमन के जगह पर ही रहेगा और जो ये रेड वाला है इसको हम लोग एम्पियर वाले इस पर ला करके लगा देंगे और एम्पियर चेक करेंगे। वैसे ही उसके बाद पैरामीटर है हमारा मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में भी हम लोग वोल्टेज वाला लीड ला करके मिली एम्पियर में लगाएंगे और मिली एम्पियर जैसे कि 0 to 20 मिली एम्पियर होता है सिग्नल और आपका 4 to 20 मिली एम्पियर भी होता है, ये सब हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे ही आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है माइक्रो एम्पियर, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने इसका सारा पैरामीटर वगैरह बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे चेक किया जाता है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं अगला पैरामीटर है टेम्परेचर का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिख करके आ गया है। टेम्परेचर नापने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है, हमारा लीड इसी पोजीशन पर रहेगा और हम लोग टेम्परेचर नाप सकते हैं। आइए मैं अब इसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, ये सब मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है। अब मैं आप लोगों को वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ कि मल्टीमीटर से वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है। ये मैंने अपने रेगुलेटर को वोल्टेज मोड पे रख दिया एसी वोल्टेज पे, ये हमारा लीड रेड वाला वोल्टेज पे लगा है, ब्लैक वाला कॉमन है,
इस टाइप से हम अप लुक कर रहता है लीड। अब इसको हम लोग एसी वोल्टेज में लगाते हैं। ये हमारा सिंगल फेज है, एसी में मैंने लगाया, एसी में लगाया। और यहाँ पर आप देखिए सिंगल फेज में आप लोग को सभी को मालूम है 230 वोल्ट एसी रहता है, तो यहाँ पर आपका दिखा रहा है 230-240 वोल्ट एसी। ये हमने मल्टीमीटर से एसी वोल्टेज को मेज़र कर लिया। अब मैं आप लोगों को डीसी वोल्टेज मेज़र करने का भी दिखा देता हूँ। ये मैंने अब रेगुलेटर को वोल्टेज डीसी में रखा और ये देखिए हमारे पास है एसएमपीएस है ये हमारा, इसको स्विच मोड पावर सप्लाई बोला जाता है। इसमें एसएमपीएस को हमने सिंगल फेज दिया, फेज न्यूट्रल अर्थिंग भी दिया और उसके बाद यहाँ से हमारा प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज निकल रहा है। इसमें अब रेड वाला ये हमारा प्लस है, ये हम प्लस में लगाएंगे, और ब्लैक वाला माइनस है, माइनस में हमने लगा दिया। आपको इसी सीक्वेंस में लगाना है। इसके बाद आप मल्टीमीटर में देखिए हमारा एसएमपीएस 24 वोल्ट डीसी आउटपुट दे रहा है। ये हमारा पोलैरिटी ठीक है। अगर इस लीड को हम लोग उल्टा करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, देखिए मैंने इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने से आपका यहाँ पर माइनस 24 वोल्ट डीसी दिखा रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी दिखा रहा है। तो मल्टीमीटर का लीड लगाने का सही तरीका वही है, प्लस वाले पे आप रेड लगाइए, माइनस वाले पे आप ब्लैक लगाइए और यहाँ पर सही से चेक कर लें, नहीं तो आपको पोलैरिटी में प्रॉब्लम आएगा। डीसी वोल्टेज के बाद अगर आप लोग के पास मिली वोल्ट अवेलेबल है तो सेम इसी तरीके से रेगुलेटर को मिली वोल्ट पे रखेंगे और जैसे हमने डीसी वोल्टेज नापा उसी मेथड से मिली वोल्ट को भी मेज़र कर सकते हैं। आइए अब हम लोग रेसिस्टेंस वगैरह चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डायोड भी चेक करके आपको दिखाता हूँ कैसे चेक किया जाता है। ये हमने रेसिस्टेंस मोड में रखा, ये हमारे पास यहाँ पर डायोड भी है, रेसिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वायर भी मैंने यहाँ पर रखा है। आइए पहले हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस ये कितना वैल्यू बताता है। ऐसे मैंने यहाँ पर लगाया और ये लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू बता रहा है, ये आपका बताया 1.272 किलो ओम के आसपास है इसका वैल्यू। आप लोगों को मैंने रेसिस्टेंस दिखा दिया, अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस वायर का कि कहीं पर ब्रेकेज है कि नहीं। फिलहाल तो इस वायर में कोई ब्रेकेज नहीं है इसलिए कंटिन्यूटी मीटर में बताएगा। उसके लिए आप ये बटन को प्रेस करिए, अभी ओम में है, प्रेस करेंगे तो बजर वाला सिंबल आएगा, मतलब कंटिन्यूटी का है। अभी ये ओएल का मतलब ओपन है सर्किट अपना। जब दोनों लीड को इस तरीके से वायर में लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी एक अलार्म के ज़रिए बता रहा है। ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग का है डायोड। डायोड चेक करने के लिए एक बार फिर से इस बटन को क्लिक करिए, ये डायोड का सिंबल दिख रहा है और ये हमारा डायोड है। इसको जब फॉरवर्ड बायसिंग मोड में रहेगा तो आपका वोल्टेज बताएगा। ये ब्लैक साइड आपका प्लस है, हल्का सा ग्रे है, ये माइनस साइड है। ब्लैक साइड में प्लस लीड रखेंगे और ग्रे साइड में माइनस। इसके बाद ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज बताया, जैसे कि आप लोग को मालूम हुई है 0.54 वोल्ट ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है। जब इस लीड को हम लोग ऑपोजिट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद हमारे मल्टीमीटर में ओपन सर्किट के हिसाब से ये दिखाएगा। ये हो गया हम लोग का डायोड का टेस्टिंग। इस तरीके से हम लोग डायोड टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से अब मैं आप लोग को मिली एम्पियर चेक करने का भी प्रोसेस दिखा देता हूँ। अब मैं रेगुलेटर को मिली एम्पियर मोड में ले जाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था एम्पियर वगैरह चेक करते वक्त रेड वाले लीड को एम्पियर वाले
पोजीशन पे ले जाके लगाना है। अब मैं इसको लगाता हूँ, ये मैंने यहाँ से निकाला और मिली एम्पियर में लगाया। मिली एम्पियर मोड में है, यहाँ पर देख सकते हैं 0 वोल्ट है। अब मैं आपको मिली एम्पियर मेजर करके दिखाता हूँ। ये हमारा ड्राइव है, यहाँ 42 नंबर टर्मिनल से और 55 से हमारा मिली एम्पियर निकलेगा। देखिए, प्लस वाला 42 पे लगाएंगे, माइनस वाला 55 पे लगाएंगे। ये हमारा मोटर ड्राइव चल रहा है, 49 हर्ज दिखा रहा है और यहाँ पर आप मीटर में आप देख सकते हैं 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर भी 20 मिली एम्पियर डीसी के आसपास दिखा रहा है। इस तरीके से हम लोग मिली एम्पियर चेक कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग और भी वीडियो बना करके आप लोग को दिखा सकें। अब मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू।